सर, मैं नेहा बात कर रही हूँ डेटिंग सेल से। आपको कोई लेडी पार्टनर चाहिए? हाँ जी, क्या मैम, मतलब कैसे, मतलब क्या होता है? आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। ओके, आपके लोकल एरिया में जो लेडी रहेंगी मैं उनके साथ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आप उनके साथ डेटिंग, चैटिंग, फ्रेंडशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? सब कुछ मतलब डेटिंग, चैटिंग, फ्रेंडशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप सब कुछ। तो यार, सेक्सुअल रिलेशनशिप में उनको दिक्कत नहीं होगी? कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा? हाँ? ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? नो 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 सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, तो रोहिणी का एरिया है हमारा, तो हाँ सर, रोहिणी कितना सेक्टर में हो आप? रोहिणी सेक्टर आपका पड़ जाता है ये 24। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अगर आपको 24 में चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है? हाँ, ओके, उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन का क्या चार्जेस वगैरह हैं? हाँ चार्जेस चार्जेस कितने हैं? जी सर, चार्जर्स है नहीं, कितना चार्जेस होगा ये तो बताओ। 2000। 2000 में मतलब क्या हिसाब जाएगा, मतलब पूरा थोड़ा बताओ ना डिटेल में। 2000 पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद सर, आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैं कुछ क्लाइंट की फोटो भेजूंगी, आप उनमें से पसंद कर लीजिएगा। जिनको पसंद कर लीजिएगा वो मैडम के साथ मैं आपका कांटेक्ट करवा दूंगी। तो मैम एक बात बताओ, मैं बुरा मत मानना प्लीज है, कि मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ और आई डोंट नो पर्सनली कि मैं आप कौन हो, कैसे हो, तो मैं आपको 2000 रुपये दे दूँ, फिर आप कुछ भेजो ही ना, मुझे कैसे पता चलेगा? सर, देखिए ट्रस्ट करने की बात है ना, आप ऑनलाइन सिस्टम पाए हो तो आपको थोड़ी सी ट्रस्ट करनी ही पड़ेगी। तो आप कुछ तो भेजो, तभी तो मैं ट्रस्ट करूँ। सर ऐसे तो नहीं भेज सकती ना, जब तक आप हमारे कंपनी के मेंबर नहीं बनोगे मैं नहीं भेज सकती। देखो मैम, आप कंपनी का या तो कुछ लीफलेट वगैरह मुझे भेजो। लिंक लिंक कुछ नहीं है सर, आप डायरेक्ट पेमेंट करोगे उस पर मैं डायरेक्ट आपको वो डिटेल्स भेजूंगी मैडम का। आप उनको फोटो पसंद कर लेना, जिनको पसंद कर लीजिएगा मैं उनका नंबर दे आप दूंगी। कहाँ से बोल रही हैं मैम? हमारी, हम भी दिल्ली से बात कर रहे हैं, दिल्ली से। नेहा जी, क्या नाम है आपकी कंपनी का? डेटिंग साइट। डेटिंग साइट मतलब कंपनी का नाम है। तो हाँ ऑनलाइन पेमेंट का कोई है, मतलब कोई आपकी वेबसाइट वगैरह भी है? नहीं, हमारी कोई वेबसाइट नहीं होती। तो मैम एक बात बताओ, आप समझो आप मेरी जगह हो गए तो आप कैसे ट्रस्ट करोगे? सर देखिए, जिनको सर्विस लेने का रहता है, आपके तरह आप बहुत सारे सपोज लोग करो, हैं ना, आप जो वो सपोज लोग भी पेमेंट करते हैं उनको भी सर्विस मिलती है। अब आप मैम, कब मैंने पहले सोचोगे सर्विस कि नहीं ली ना, 2000 लेके भाग जाऊंगी? मेरे को पहली बार आपका मैसेज आया। मैं कैसे, मतलब थोड़ा सा अगर हाँ मुझे। ठीक है सर, आप हो सकता है आप किसी और कंपनी में पेमेंट नहीं किया, आपका ये फर्स्ट टाइम है तो इसलिए आप डर रहे हो, बट नहीं, कोई भी फर्स्ट प्रॉब्लम टाइम नहीं मैं आपको होगा। बताता हूँ, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, हाँ एक बार एक प्रोडक्ट मंगाने के लिए मैंने ऐसे ही कांटेक्ट किया था, तो वो तो हाँ ज्यादा पेमेंट भी नहीं था, लेकिन 100-200 रुपये था, लेकिन वो पेमेंट करने के बाद प्रोडक्ट नहीं आया। अब देखो मैं तो सही कह रहा हूँ ना अच्छा आपको, तो अब सर देखिए, मैं सब तो एक जैसा नहीं होता है ना, अलग अलग होता है। तो कैसे मान लूँ ना, वही तो बात है, मुझे कोई तो श्योरिटी मिले। आपको थोड़ी सी ट्रस्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर अभी ट्रस्ट नहीं होती है तो आप नंबर सेव करके रख लीजिए, जब ट्रस्ट होगा कॉल कर लीजिएगा। नहीं, चॉइस मतलब अगर आपको मेरे ऊपर जब ट्रस्ट हो जाएगा सर, तो आप मुझे कॉल कर लेना इसी नंबर पे। अच्छा, आपकी वॉइस ब्रेक हो जा रही है। अगर मान लीजिए बाई चांस ना मुझे मिला कोई, मतलब अगर 2000 रुपीज मैंने आपको दे दिए, सपोज कर लीजिए हाँ, मैंने आपको 2000 रुपये अभी ट्रांसफर कर दिए, ये। फिर बताइए प्रोसेस, मैं अगर पेटीएम से पेमेंट करूँ तो हो जाएगी? हाँ, पेटीएम से अगर अभी पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट होने के बाद आपके फोन पे जो ट्रांजेक्शन का सक्सेसफुल मैसेज आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, फिर मैं आपका पेमेंट चेक करूंगी। चेक करने के बाद जैसे आपका पेमेंट आएगा मैं तुरंत आपको कुछ क्लाइंट का फोटो शेयर करूंगी आपके व्हाट्सएप पे, फिर आप उनमें से पसंद करना, फिर जिनको पसंद कीजिएगा वो लेडी के साथ मैं आपका कांटेक्ट करवा दूंगी। नहीं, फिर फ्रेंडशिप शेडिंग का ये सब का पैसा लगेगा क्या? ओनली 2000 ही लगेगा नहीं, 2000 उनको जाएगा, आपको जाएगा? सर, आप एक कंपनी की तरफ से जा रहे हो ना, तो कंपनी ही 2000 लेगी, वो मैडम क्यों लेगी? जैसे आप मेंबरशिप ले रहे हो वैसे वो मैडम लोग भी मेंबरशिप लेती है हमारे यहाँ पे। अच्छा, वो मैडम भी मेंबरशिप लेती हैं। हाँ तो एज ग्रुप का कोई होगा, मतलब आइडिया कि किस एज का, मतलब क्या हिसाब तब रहेगा? आपको कितनी एज वाली चाहिए बताइए? हमारे यहाँ पे 25, 24, 26, 27, 30। क्या मुझे 20 से नीचे चाहिए, चाहिए? 20 के नीचे। मेरा तो खुद कितना? 22 एज है। ठीक है, 21, 22 तो है, आपको तो 21, 22 चल जाएगा ना। उससे नीचे नहीं है कोई आपके पास? हाँ, उससे नीचे नहीं रहेगा? उसके नीचे कितना? आपको क्या 15, 16 दूँ आप बोल रहे हो? आप बताइए ना, 15-16 है कोई?
नहीं, मिनिमम कितना रहेगा आपके पास? हमारे यहाँ से 20 से है सर। कम से कम 20 साल। हाँ 20 से। तो रेट वही आपका 2000 रुपीज, चाहे वो 20 ईयर हो चाहे हाँ, वो। जी 2000। अच्छा 2000 रुपीज में मतलब आप उनसे मेरी बात करा दोगे जो बात भी? नहीं करवाऊंगी सर, पहले फोटो भेजोगे ना, आप पसंद करोगे फिर तो मैं वो लेडी का नंबर दूंगी ना आपको, अच्छा मतलब पहले आप थोड़ी ना बात एक करा एक का दूंगी। नंबर दोगे है ना, एक ही का नंबर दोगे? हाँ किसी एक का नंबर दूंगी, किसी एक से मीटिंग कीजिएगा, फिर उनसे मीटिंग हो जाने के बाद अदरवाइज अगर आपको दूसरे दिन अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो कितने बार चेंज कर सकते हैं वैसे? सिर्फ हफ्ते में 2 बार ही मिलेगी आपको, उससे ज्यादा नहीं। मतलब 2 बार की सर्विस के 2000 रुपीज है? क्या 2 बार की सर्विस के 2000 रुपीज है ना, ये कह रहे हो ना आप? हाँ जो सपोज मैंने किसी को पसंद कर लिया, सपोज कीजिए है ना आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम, से। अगर मैंने किसी को पसंद कर लिया और उन हाँ, मैडम ने बोला कि मुझे ये बंदा पसंद नहीं है, मुझे इससे चैटिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं मैडम पसंद करेगी आपके, उतने बूढ़े हो दिखने में। नहीं मैं बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा थोड़ा ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है, मैं थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन में है, थोड़ा सांवला है मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर वो ब्लैक मैडम गोरी व्हाइट हुई और वो ब्लू बोली कि ये सांवला है और मैं इसके साथ डेट पे नहीं जाऊंगी या मैं चैटिंग नहीं करूंगी, फिर मेरा तो पैसा तो खराब सर हो जाएगा। मिलने से पहले आपको, मिलने से पहले आप लोगों को तो पिक विक भेजा जाएगा ना, आप मैडम को पिक भेजोगे, मैडम आपको पिक भेजेगी, आप लोग एक दूसरे को पसंद करोगे फिर तो मीटिंग करोगे ना। आपका नाम नेहा है ना? नेहा। हाँ नेहा जी मैं बस ये कह रहा हूँ कि मान लो मेरे को कोई लड़की पसंद आ गई और हाँ वो लड़की को मैं पसंद नहीं आया, तो फिर वो मैडम ही डिसाइड कर सकती है, ये चीज तो मैं नहीं बता सकती आपको। तो फिर तो मेरा लॉस हो जाएगा ना मैडम? हाँ फिर तो वो नुकसान हो जाएगा मेरा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम मेरी बात सुनिए। काट दिया। अर्बन न्यूज ने एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर इस नंबर की छानबीन की और पता चला कि ये नंबर दरअसल वो नंबर है जो लोगों से पैसे ले लेते हैं और इस तरह से उनका बेवकूफ बनाते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई नंबर है जो आपको परेशान कर रहा है और जिसमें आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो उसे हमें भेजिए, हम उसकी तहकीकात करके पूरा सच पता लगाएंगे और आप तक ये वीडियो भी भेजेंगे। ऑनलाइन फ्रॉड के नाम पर लोग तरह तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कहीं कैशबैक का लालच देकर तो कहीं इस तरह के वादे करके लोगों से पैसा ठगते हैं और उसके बाद सुनवाई नहीं होती, क्योंकि एक ऐसा मसला है जिसे लेकर कोई भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले तो पुलिस उन्हीं से सवाल करेगी कि आखिर तुमने ऐसी साइट को फोन ही क्यों किया। और इसी बात की आड़ में ये डेटिंग साइट्स लाखों रुपया डेली का छापती हैं। एक सर्वे के मुताबिक अगर ये डेटिंग साइट रोज 100 लोगों को फोन करती है और 10 लोग मान जाते हैं तो तकरीबन 20,000 रुपये डेली कमाते हैं। 20,000 रुपये रोज के हिसाब से महीने का बेयर मिनिमम ये लोग 6 लाख रुपया इसी तरह फ्रॉड कर कर कमाते हैं। आप भी सावधान रहें और अपने कान और नाक खुले रखें। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक ही मकसद है और वो मकसद है अवेयरनेस, जागरूकता। आपको जागरूक रहना होगा ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना कर सके। वहीं अगर आपके साथ भी ऐसा ही कोई फ्रॉड हुआ है जिसे आप बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपके आसपास किसी के साथ किसी तरह का गलत काम किया जा रहा है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप हमें दें, हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे और जड़ तक जाएंगे। वहीं आपको बताते चलें कि इन कामों के पीछे पूरे गिरोह का हाथ होता है और वो गिरोह इमोशनली लोगों पर वार करता है। वो वहाँ काम करता है जिस सेक्टर में लोग इमोशनल हो जाते हैं और फिर उनको लेकर या तो ब्लैकमेलिंग की जाती है और या फिर पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि अगली बार जब आपको कोई भी फोन आए जो इस तरह का हो तो आप चौकन्ने हो जाएं, और अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो उसका नंबर हमें दें और हम उनसे बात करके आप तक पूरी बात पहुंचाएंगे कि आखिर इस मसले की जड़ कहां पर है। आज इस मुद्दे में हमें यह पता चला कि 2000 रुपये लेने के बाद ये लोग ना तो फोन उठाते हैं और ना ही फिर दोबारा बात करते हैं। चूंकि मुद्दा डेटिंग साइट को लेकर है तो लोग अपनी जुबान भी नहीं खोलते और इस फ्रॉड को चुपचाप झेल लेते हैं। वेल अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।